प्यारे बच्चों एग्जाम्पल नंबर 10 को देख लेते हैं। इम्पल्स का एक और क्वेश्चन है, टॉपिक नंबर 2 आपको पता ही है, लॉज ऑफ मोशन का कर रहे हैं। अगर आप लोगों को यहाँ आते तो हुए दिक्कत आ रही है या फिर आपको क्वेश्चंस नहीं मिल रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट देख लिया करें। दूसरी बात यह है कि अगर आप सर्च करते हुए यहाँ तक आए हैं और आपके क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं, जो रेड बटन दे रखा है उसको जरूर हिट कर दें। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन ईजी है, सोल्यूशन लगाते हैं। इम्पल्स के ऊपर मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर बताया था कि करना क्या होता, इम्पल्स के तीनों तरीके से बता दिया कैसे निकलेगा। इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम से बता दिया मैंने आपको, फोर्स इनटू टाइम से बता दिया, और ग्राफिकल जो ग्राफ बना हुआ होगा उससे कैसे निकालेंगे, एरिया अंडर द कर्व वो कैसे देखेंगे। खैर वो सब देख लेंगे, इस क्वेश्चन को देखते हैं आप, इसके हिसाब से बता दूंगा कि आपको सॉल्व कैसे करना। हमसे कह रहा है अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 150 ग्राम, तो यहाँ को लिखेंगे गिवन दैट आपको क्या क्या दे रखा, मास दे रखा बॉल का 150 ग्राम, इसको ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए आपको 1000 से डिवाइड कर देना होगा, तो ये 15/100 ये आपके सामने आ गया केजी के अंदर। मास दे रखा बॉल का, वो आपने डन कर दिया। दूसरी चीज़ क्या है, मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 15 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड से ये मूव कर रही है। आगे क्या कह रहा, इज ब्राउड टू रेस्ट बाई ए प्लेयर इन 0.105 सेकेंड, और प्लेयर खेल रहा था, प्लेयर ने बॉल को रोक दिया, कितने टाइम में रोका, ये टाइम दे रखा 0.05 सेकेंड। जब रोक दिया तो इसका मतलब इसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 मीटर पर सेकेंड, रोक दिया ना तो फाइनल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड हो गई। आपसे पूछ क्या रहा है, कैलकुलेट द इम्पल्स एंड एवरेज फोर्स एग्जर्टेड बाय द प्लेयर, प्लेयर ने कितना इम्पल्स लगाया और कितना उसने फोर्स लगाया। तो देखो यार यहाँ पर वेलोसिटी दे रखी है और टाइम भी दे रखा, तो चेंज इन वेलोसिटी से आप क्या कर लेते हो, चेंज इन वेलोसिटी, या फिर आप ये कहें चेंज इन मोमेंटम से आप इम्पल्स कैलकुलेट कर लेते हो। आपके पास दोनों वेलोसिटी हैं और मास भी दे रखा है, तो आप चेंज इन वेलोसिटी का इस्तेमाल करके आप इम्पल्स निकाल देंगे। तो आप निकालेंगे पहले इम्पल्स, इम्पल्स क्या होता है, मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी, वी माइनस यू। मास आपको दे रखा 15/100 के जी में, फाइनल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ दे रखा था 15 मीटर पर सेकेंड, मैंने लिखा नहीं, यू आपको दे रखा 15 मीटर पर सेकेंड, तो आप लिख दो 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। ये माइनस पहला आ जाएगा, 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 225/100, सॉल्व करेंगे तो 2.25, ये आपके पास इम्पल्स आ चुका गाइज, इम्पल्स आपके पास निकल कर आ गया। यूनिट क्या होता है इम्पल्स का, न्यूटन सेकेंड। इम्पल्स कैलकुलेट करने के बाद आपको फोर्स कैलकुलेट करवा रहा है, तो फोर्स कैसे निकालते हैं, फोर्स निकालने के लिए चूंकि आपको पता है इम्पल्स क्या होती है, इम्पल्स होता है फोर्स इंटू टाइम। जब आपको फोर्स कैलकुलेट करनी हो तो ये हो जाएगा इम्पल्स अपॉन टाइम। इम्पल्स कितनी निकल कर आ गई, 2.25, और टाइम कितना दे रखा आपको 0.05। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा क्योंकि सेम पोजीशन पर है, ऊपर आ जाएगा 225 और नीचे आ जाएगा 5। एफ इज इक्वल टू 225 को 5 से काटोगे तो 5 चौके 20, 2 बचे, 5 पंजे 25, 45। तो फोर्स आ चुकी है 45 न्यूटन, क्योंकि इम्पल्स माइनस का था, तो आप इम्पल्स को माइनस का दिखाओगे तो फोर्स भी माइनस का 45 न्यूटन आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा, अगर किसी की समझ में नहीं आता है तो भाई दोबारा वीडियो को देख ले, और समझ में आ जाता है और फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ डाउट रह जाता है तो भाई डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम इंस्टा फेसबुक का लिंक दे रखा, आप जा कर के वहाँ फॉलो कर सकते हैं मुझे, और अपने क्वेरीज अपने डाउट डिस्कस कर सकते हैं, और जो भी आपके पास अपनी खुद की प्रॉब्लम्स है वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा, आपका सपोर्ट हमें मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच।